हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौका हेवन। आज हम अपनी किचन में बहुत ही जल्दी बनने वाला आम का अचार बना रहे हैं। इसके लिए मैंने दो कच्चे आम ले लिए और उनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया। साथ ही मैंने लिया है सफ़ेद नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा और आधी चम्मच हींग। साथ ही साथ मैंने लिया है अदरक, पुदीना और हरी मिर्च। कच्चे आम के टुकड़ों को हम एक बाउल में डाल लेते हैं और हरी मिर्च को भी कट करके डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं आपको आज अचार बनाना बता रही हूँ, एक बार आप उसे बनाकर जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, आप बार बार बनाएंगे। इस तरह से अचार बनाने में ना तो धूप दिखाने का झंझट और ना ही मसाले इकट्ठे करने का। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह से अचार बनाना आपको कैसा लगा और स्वाद में कैसा लगा। हरी मिर्च के बाद में मैंने अदरक के टुकड़े भी कट करके डाल लिए। अब आती है इस अचार में मसाले मिलाने की बारी। दोस्तों, मैंने सफ़ेद नमक मिलाया है, काला नमक को ले लेंगे, भुना हुआ जीरा मैंने एक चम्मच मिलाया है और आधी चम्मच हींग मिलाई है। पुदीना के पत्तों को भी आप छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल लीजिए। इन सभी को मिलाने के बाद में हम ले रहे हैं आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से स्वाद तो आता है, साथ ही साथ रंग भी बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ हमने लिया है आधी चम्मच सौंफ का पाउडर। दोस्तों, इसमें ऐसे बेसिक मसाले हैं जिन्हें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आपको घर में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे खाने का स्वाद तो अचार से बढ़ ही जाता है और ऐसा अचार हो तो कौन नहीं खाना चाहेगा। इसी के साथ मैंने लिया है आधा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से जितने मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब हम इस अचार को दो बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक अचार को हम डिफरेंट टेस्ट में बनाने जा रहे हैं, आप देखिए उसे मैं कैसे बनाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपने देखा दूसरे अचार मैंने गुड़ मिलाया है। गुड़ मिलाने से ये तीखा, खट्टा, चटपटा तो था ही, साथ ही साथ ये थोड़ा सा मीठा भी हो गया और मीठा अचार साथ में हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखा फ्रेंड्स, कितने कम समय में, मात्र 5 मिनट का समय भी नहीं लगा और हमारे दो तरह के अचार तैयार हो गए। अगर आपको खट्टा तीखा चटपटा पसंद है तो वो खाइए, साथ ही साथ अगर आपको हल्का सा मीठा अचार पसंद है तो वो भी खाइए। तो फ्रेंड्स, इंस्टेंट अचार बनाने की ये स्टाइल आपको कैसी लगी? फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।